हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग कैसे होती है डाटा स्ट्रक्चर में और उसके उसको करने में कौन कौन से ऑपरेशन इंक्लूड किए जाते हैं। तो फर्स्ट वी राइट वर्ड प्रोसेसिंग इन डेटा स्ट्रक्चर। तो देखिए, पहले क्या होता था कि अर्लियर टाइम में करेक्टर डाटा जो है प्रोसेस होते थे बाय द कंप्यूटर और दे आर मेनली कंसिस्ट ऑफ डाटा आइटम्स सच एज नेम्स एड्रेसेस एट्सेट्रा। अब आज के समय में क्या है कि आज के समय में कंप्यूटर का यूज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कंप्यूटर ऑल्सो प्रोसेस प्रिंटेड मैटर सच एज लेटर आर्टिकल्स रिपोर्ट्स एट्सेट्रा। तो कंप्यूटर इनको भी प्रोसेस कर रहा है। तो इट इज इन दिस लेटर कॉन्टेक्स दैट वी यूज द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसलिए हमें वर्ड प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। अब वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर अ गिवन प्रिंटेड टेक्स्ट द ऑपरेशन यूजली एसोसिएटेड विद वर्ड प्रोसेसिंग आर एज फॉलोज। तो किसी प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए जो वर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है उसमें बेसिकली ये तीन ऑपरेशन आते हैं। पहला है आपका रिप्लेसमेंट, ठीक है, दूसरा है इंसर्शन और तीसरा है आपका डिलीशन, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं कि रिप्लेसिंग वन स्ट्रिंग इन द टेक्स्ट बाय अनदर, मतलब टेक्स्ट मैटर में जो प्रिंटेड मैटर है हमारे पास उसमें ऑलरेडी कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है उसको रिप्लेस कर देते हैं दूसरे स्ट्रिंग से, ठीक। इंसर्टिंग में क्या होता है कि एक नया स्ट्रिंग इंसर्टिंग ए स्ट्रिंग इन द मिडिल ऑफ द टेक्स्ट, कुछ नया जो है जो भी हमारी लाइनें हैं जो भी वर्ड्स हैं उनको टेक्स्ट में हमें एंटर करना है, इंसर्ट करना है। और तीसरा क्या है, डिलीटिंग ए स्ट्रिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, कि किसी टेक्स्ट से कुछ पर्टिकुलर पोर्शन या कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग को डिलीट करना है। तो बेसिकली ये तीन ऑपरेशन आते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत, रिप्लेसमेंट इंसर्शन और डिलीशन। अब इसमें क्या होता है कि द ऑल दीज ऑपरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग द स्ट्रिंग ऑपरेशन, ठीक है। इन ये तीनों चीजें रिप्लेसमेंट हो गया, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, ये तीनों हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशन जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और मेनी ऑफ दीज ऑपरेशंस आर बिल्ट इनटू और कैन इजीली बी डिफाइंड इन ईच ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट इज बीइंग यूज्ड। अब जैसे हम लोग पहले बात करते हैं इसकी इंसर्शन की, फर्स्ट वी टेक अप इंसर्शन। अब इंसर्शन में देखिए क्या होता है कि ऑलरेडी आपके पास प्रिंटेड मैटर है, ठीक है, उसमें हमें नई स्ट्रिंग इंसर्ट करनी है। तो मान लीजिए हमने कहा कि से हमने ऐसे अगर कमांड दिया इंसर्ट, ठीक, जो हमारे पास प्रिंटेड मैटर है वो है टेक्स्ट, जो हमें नई स्ट्रिंग ऐड करनी है वो हम स्ट्रिंग लिखेंगे और किस पोजीशन पे ऐड करनी, तो यहाँ लिखेंगे हम पोजीशन और यहाँ हम लिख देंगे स्ट्रिंग। तो टेक्स्ट जो मैटर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें हमको ये नई स्ट्रिंग ऐड कर। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इंसर्ट, सपोज कीजिए हमने फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा इंसर्ट, ठीक है, ऑलरेडी जो हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है वो है सपोज कीजिए ये स्ट्रिंग, ये लगाया हमने कोट्स ए बी सी डी ई एफ जी, ये हो गया। अब इसके बाद किस पोजीशन पे हमें नई स्ट्रिंग इंक्लूड करनी है, तो वो हमने कहा कि मान लीजिए थर्ड कैरेक्टर से, और कौन सी स्ट्रिंग हमें इनपुट करनी है इंसर्ट करनी है, मान लीजिए एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस पे क्या होगा कि जब ये एग्जीक्यूट होगा तो जो नई स्ट्रिंग आएगी हमारे पास वो ए बी और थर्ड कैरेक्टर की पोजीशन से ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, और उसके बाद बाकी स्ट्रिंग आ जाएगी सी डी ई एफ जी। इस तरह से इंसर्शन ऑपरेशन कंप्लीट होगा। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है कि दिस इंसर्ट फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई यूजिंग द स्ट्रिंग ऑपरेशन डिफाइंड इन द ऑलरेडी
टेकन लेक्चर्स, ठीक है। अब इसी ऑपरेशन को जो हमने स्ट्रिंग ऑपरेशंस पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, आपको वीडियो लेक्चर में, उससे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह? आप ऐसे लिखेंगे इंसर्ट जो आपका ऑलरेडी अवेलेबल टेक्स्ट है, मान लीजिए टी, के हो गया पोजीशन और एस हो गया नई स्ट्रिंग जो आपको इंसर्ट करनी है। यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सब स्ट्रिंग, ठीक है, ये किसकी सब स्ट्रिंग, टी की पहले पोजीशन से और कहाँ तक जाना है हमको, के माइनस वन तक, ठीक। फिर इसको कॉन्कैटिनेट कर देना है, कॉन्कैटिनेट ऑपरेशन मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है आपको, किसके साथ, एस के साथ। एस वो स्ट्रिंग है ये जिसको हमें इंसर्ट करना है, और फिर इसके आगे जोड़ देना है बाकी की बची स्ट्रिंग। तो आप इसको ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं, इस सब स्ट्रिंग को यूज करके भी और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन को यूज करके अब आप परफॉर्म कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग लिख दिया आपने टी कॉमा के, और कॉमा इसकी आपने लेंथ दे दी टी माइनस के प्लस वन, तो आपने यहां पे लिख दिया लेंथ टी माइनस के प्लस वन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इनिशियल सब स्ट्रिंग ऑफ टी बिफोर द पोजीशन के विच हैज लेंथ के माइनस वन इज कॉन्कैटिनेटेड विद द स्ट्रिंग एस एंड द रिजल्ट इज कॉन्कैटिनेटेड विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टी विच बिकॉज बिगिंस इन पोजीशन के एंड हैज लेंथ लेंथ टी माइनस के माइनस वन, तो माइनस माइनस ब्रैकेट खुल जाएगा, तो लेंथ की लेंथ टी माइनस के प्लस वन। इसमें एक चीज आपको ये मान के करना पड़ेगा कि वी हैव ऑलरेडी प्री अज्यूम्ड दैट टी इज ए डायनेमिक वेरिएबल एंड द साइज ऑफ टी विल नॉट बिकम टू लार्ज। तो इस तरह से इंसर्शन ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन आता है वो आता है डिलीट करना। किसी भी स्ट्रिंग में आपको कुछ कैरेक्टर्स को, किसी सब स्ट्रिंग को आपको डिलीट करना है, तो वो अगर ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो आप कैसे करेंगे, नाउ वी स्टार्ट विद डिलीशन। डिलीशन, अब देखिए डिलीशन ऑपरेशन में क्या होता है कि मान लीजिए हमें से हमने यहां पे लिखा डिलीट, ठीक है, किससे हमको डिलीट करना है, तो हमने लिखा टेक्स्ट, किस पोजीशन से हमें डिलीट करना है, तो यहां हमने लिख दिया पोजीशन, और उस पोजीशन से कितनी लेंथ, कितने कैरेक्टर हमको डिलीट करना है, तो यहां पे हम लिख देंगे लेंथ। तो इस तरह से जब आप ऑपरेशन देंगे तो आपका डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए हमने ये दिया डिलीट, ठीक है, टेक्स्ट हमने दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक। अब हमें डिलीट करना है कौन से कैरेक्टर से, पोजीशन हम देंगे तो हमने कहा मान लीजिए फोर्थ कैरेक्टर से, और कितने कैरेक्टर डिलीट करने हैं, दो कैरेक्टर। तो जब आप इसको डिलीट करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो देखिए ए बी सी फोर्थ हुआ, ये डी यहां से शुरू होगा, और दो कैरेक्टर डी और ई ये डिलीट हो जाएंगे। यानी जो रिजल्ट बचेगा आपके पास वो बचेगा ए बी सी एफ जी, ये डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ये रिजल्ट आपको मिलेगा, क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि वी अज्यूम दैट नथिंग इज डिलीटेड इफ पोजीशन के इक्वल टू जीरो, मतलब अगर यहाँ पे आप जीरो दे रहे हैं पोजीशन की जगह पे, तो कुछ भी डिलीट नहीं होगा। चाहे आपने लेंथ में कुछ भी दिया हुआ है, अगर ये पोजीशन आपने जीरो दी हुई है तो कुछ भी डिलीट नहीं होगा, क्लियर। अब इसी डिलीट फंक्शन को अगर मान लीजिए आप स्ट्रिंग ऑपरेशन से, जो स्ट्रिंग ऑपरेशन आप लोग पढ़ चुके हैं उससे अगर आप परफॉर्म करना चाहें, तो आपको इसी डिलीट ऑपरेशन को इस तरह देना होगा। आपने कहा डिलीट, ठीक है, कहाँ से डिलीट करना है, टी से, किस पोजीशन से डिलीट करना है, के पोजीशन से,
और कितने कैरेक्टर डिलीट करने हैं, एल कैरेक्टर्स। ठीक, अब आप क्या कीजिए, आप गिवन स्ट्रिंग को पहले उसकी सब स्ट्रिंग लीजिए। सब स्ट्रिंग आप लेंगे कहां से, टी से लेंगे। सब स्ट्रिंग किस में से लेंगे, टी स्ट्रिंग में से लेंगे, पहले कैरेक्टर से कहां तक, के माइनस वन तक। ठीक, ये ले लिया आपने। फिर इसको आप कॉनकेटिनेट कर दीजिए, दूसरी सब स्ट्रिंग लीजिए और ये सब स्ट्रिंग उन दो कैरेक्टर्स को छोड़ के, यानी आपने कहा टी कॉमा, अब आपको लेना है के प्लस एल, यहां से लेना है, यानी बीच के कैरेक्टर छूट गए। और कहां तक लेना है, तो आप यहां लिखेंगे लेंथ, ये हो गया आपका टी माइनस के माइनस एल प्लस वन तक। तो इससे भी आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। तो चाहे आप स्ट्रिंग ऑपरेशन से परफॉर्म कीजिए और चाहे आप डिलीट ऑपरेशन देके परफॉर्म कीजिए, ये तो इस तरह से डिलीट ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन आता है वो आता है रिप्लेसमेंट। स्ट्रिंग के कुछ पोर्शन को हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑपरेशन कैसे होगा वो भी आप देख लीजिए। रिप्लेस नॉट, थर्ड ऑपरेशन इज रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि रिप्लेसमेंट ऑपरेशन में, कि मान लीजिए हमें किसी भी स्ट्रिंग में कोई पोर्शन हमें रिप्लेस करना है, मतलब क्या हुआ कि हमने कमांड दिया से रिप्लेस, ठीक है, इस टेक्स्ट टेक्स्ट में से हमें रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है, ये हमने लिख दिया पैटर्न, और पैटर्न वन, ठीक है, और यहां हमने लिखा पैटर्न टू। इसका मतलब क्या हुआ कि टू रिप्लेस द फर्स्ट अकरेंस ऑफ पैटर्न पी वन, मतलब पैटर्न पी वन मतलब जो भी चीज आपने यहां पे दी है वो स्ट्रिंग में या टेक्स्ट में जहां पे भी पहली बार मिलेगी उस वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, पी टू से, पैटर्न टू से। ठीक, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑपरेशन। मतलब कैसा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि से, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि रिप्लेस, ठीक है, और टेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स ए बी वाई ए बी जेड। मान लीजिए दिया एक्स ए बी वाई ए बी जेड। ठीक, अब इसमें से क्या रिप्लेस करना है, यहां हमने लिखा ए बी को, ठीक है, और उसको किससे रिप्लेस करना है हमें, सी से, यहां हमने लिख दिया सी। ठीक, तो अब ये जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो क्या होगा कि पहला ए बी कहाँ मिल रहा है, पहला ए बी मिल रहा है यहाँ पे, दूसरे से मतलब ये नहीं चेंज होगा, फर्स्ट अकरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा एक्स ए बी की जगह हो जाएगा सी वाई ए बी जेड। ठीक है, तो जो फर्स्ट अकरेंस है पैटर्न वन का वो रिप्लेस हो जाएगा पैटर्न टू से। ठीक, क्लियर। तो इस तरह से रिप्लेस ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट में। अब ये जो ऑपरेशन हमने आपको बताए हैं, इंसर्शन हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, डिलीशन हो गया, इनकी जो एल्गोरिथम है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।